हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकुल पर। मैं आपका मेंटोर सुवीन तिवारी आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज दी कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है गुड गवर्नेंस एंड गवर्नेंस का। पहला ही टॉपिक चल रहा है अभी समय गवर्नेंस से, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखना मत भूलिएगा। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड, कई कलीग्स से अपने दोस्तों में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्विज रहता है हर एक दिन, कभी ज्योग्राफी के ऊपर, कभी इकोनॉमी के ऊपर, कभी हिस्ट्री के ऊपर, एंड सो ऑन। हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विज अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई पिक्टोग्राफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है वहां पे। जैसे हाल ही हाल में अभी क्या हुआ कि जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंची तब तक तो काफी टाइम हो चुका होगा, मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके हाइलाइट्स भी भेजे हुए हैं, एज वेल एज बजट का जो हाइलाइट है उसको भी हम लोगों ने शेयर किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नेंस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ गवर्नेंस देखा हुआ था, गवर्नेंस का मतलब क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है गवर्नेंस के बारे में, एज वेल एज यूएनडीपी क्या कहता है गवर्नेंस के बारे में। फिर हम लोगों ने देखा हुआ था सिटीजन पार्टिसिपेशन क्या क्या, लास्ट में हम लोग देखे हुए थे क्या क्या मैकेनिज्म है सिटीजन पार्टिसिपेशन का। तो चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक है कोर कैरेक्टरिस्टिक। अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने रिकॉग्नाइज किए हैं जो मेन कोर कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज एट है कोर कैरेक्टरिस्टिक गुड गवर्नेंस के। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीरो टॉलरेंस, रेड टेपिज्म, रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विस, एज वेल एज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में अगली क्लास में कहेगा। तो आज हमारा पूरा फोकस होगा वो एट कोर कैरेक्टरिस्टिक पे है, आठ में, जो पहला है हमारा अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड है सेंसस ओरिएंटेड, थर्ड ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेटरी, रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव एंड इफिशियंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, एंड फॉलो द रूल ऑफ लॉ। चलिए एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है। बात करें अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, देखिए कोई भी पर्सन वेदर अ सिविल सर्वेंट और अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अगर ये हर एक पर्सन अकाउंटेबल है उनकी क्या क्या पॉलिसीज आ रही हैं उसके प्रति, एज वेल एज जो भी वो सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं उसके प्रति टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ताकि ये एंश्योर किया जा सके कि एक ट्रांसपेरेंट वे में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो सके, ऑनेस्ट वे में पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सके, एज वेल एज जो भी सर्विस डिलीवरी उनको दी जा रही है वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, ऑनेस्टी भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। ये एंश्योर, लेकिन बट एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस से अगर बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस के लिए कोई भी सिंपल टास्क नहीं है गवर्नमेंट सर्विस में, इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज भी देखने को मिलती है जो कि इन्वॉल्व है इन मेकिंग पब्लिक ऑफिशियल्स, जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स है दे आर आंसरेबल फॉर द आउटपुट एज वेल एट द आउटकम्स। क्या आउटपुट उन्होंने लिया है, उसका क्या रिजल्ट आया है, उसके लिए पब्लिक ऑफिशियल्स जो है दे आर अकाउंटेबल फॉर इट और दे आर आंसरेबल फॉर इट। अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है कि हर एक देश में, I'm not particularly talking about in India. देखिए in any country they are broadly categorized, इसको दो types में divide किया गया है, एक तो within the states के अंतर्गत क्या चल रहा है और outside the states क्या चल रहा है। Accountability of the executive arm of the government to the parliament and to the citizen of India is of course the fundamental features of the democracy. देखिए अगर बात करें democracy का एक accountability one of the fundamental features है, क्यों, देखिए अगर आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग जब इलेक्शन होते हैं वहां पे ये देखने को मिलता है, ये अकाउंटेबिलिटी है दैट सर्व एज द अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट कि गवर्नमेंट को
वहां पे पनिश भी किया जाता है और उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। उनका जो भी काम लेंगे, जो भी पॉलिसी डिसीजन लेंगे, जितना जो भी काम होगा रिलेटेड टू द गवर्नेंस, वो सारा का सारा अकाउंटेबल है टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस केस में अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छा काम किया है, तो उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। मींस द गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से पावर में आ जाएगी। सेकंड क्या है कि गवर्नमेंट को पनिश भी किया जा सकता है, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो उस वाले केस में क्या है कि गवर्नमेंट को पावर से हटा दिया जाएगा, किसी दूसरी पार्टी को पावर में बैठा दिया जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी इज द एक्नोलेज एंड अजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्शन प्रोडक्शन सॉरी प्रोडक्ट डिसीजन एंड पॉलिसीज। देखिए, अकाउंटेबिलिटी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी का मतलब ये है, क्वेश्चंस जो हैं, जो जो भी क्वेश्चंस हैं वो पब्लिक ऑफिशियल्स से पूछा जा सकता है, एंड पब्लिक ऑफिशियल्स आर बाउंड टू आंसर दोज क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो पब्लिक ऑफिशियल, उनको बाउंड ही है कि उनको आंसर करना ही पड़ेगा। उनके ऊपर सेंशन भी लगा दिया जा सकता है, रीडर्स भी कर दिया जा सकता है, और सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सो दे आर द कंपोनेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर बात करते हैं जनरल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अकाउंटेबिलिटी टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजन और एक्शन। अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स नहीं किया जा सकता अगर कोई भी ट्रांसपेरेंसीज नहीं है या फिर रूल ऑफ लॉ नहीं है। सो यू कैन जस्ट से दैट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एनफोर्स। हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, पब्लिक ऑफिशियल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि वन वे सॉल्यूशन मांगा जाता है। वन वे सॉल्यूशन में क्या हुआ, आपने आरटीआई एक्ट फाइल किया, ठीक। आरटीआई एक्ट में ये बोला गया है कि इस बार मनरेगा में कितना पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, मनरेगा में इस बार बजट में कितना पैसा आया हुआ है, ठीक। या फिर कोई एक पर्टिकुलरली स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नॉट पटाओ, क्या कभी कभार हमारे मोदी जी कुछ भी निकाल देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं अगेन वही बात बोलना चाहता हूँ, पहली क्लास में भी मैंने बात किया था, अगर आपका कोई पॉलिटिकल मोटिव है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि देखिए गवर्नेंस हो या पॉलिटी हो, यहाँ पे थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना होता है, गवर्नमेंट को प्रेज भी करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी होंगे, हम लोगों ने देखा होगा कि पता चले अगर मैं बार बार उस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूं, तो आप भी लोग हम लोग को बवाल में ना डाल दे, क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर सही नहीं रहता है। तो क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आपने क्या किया है, एक आरटीआई राइट। अच्छा, एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं, तो आप भी आरटीआई फाइल कीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक काइंड ऑफ हॉबीज होनी चाहिए। आप ये हॉबीज अपने जब डेफ फॉर्म भरेंगे तब वहां पे आप इसको डाल सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है। मीन से अगर कोई हॉबीज का पूछा जाए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जरूरी, मतलब बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसके बारे में हम लोग को पूरा, मीन से आपकी एक हॉबीज है, अगर आप ऐसे ही लिख देंगे कि ओके मेरे पास मेरी एक हॉबी है कि आरटीआई एक्ट मीन्स किसी भी चीज को जानना, तो उसके प्रोसेस भी को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम चीज पूछ दिया जा सकता है आपके इंटरव्यू में। तो आप एक बार कोई भी किसी भी स्कीम से किसी भी चीज से रिलेटेड आरटीआई एक्ट सॉरी आरटीआई के अंतर्गत आप एक एप्लीकेशन फाइल करिए, ग्रीवेंस फाइल करिएगा, देखिएगा क्या क्या प्रोसेस होता है। सेम यही चीज आप अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मनरेगा या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो गवर्नमेंट से आप यहाँ पे क्या पूछ सकते हैं कि कितने लोग बेनिफिशरीज हैं इसके अंतर्गत, कितने लोगों को फायदा हुआ है, और कितने लोग अभी इससे वंचित रह गए हैं, कितने लोग अभी इसके अंतर्गत नहीं आए हुए हैं। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, और गवर्नमेंट का आगे का क्या प्लान है, कब तक ये स्कीम चलेगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, आपने इंफॉर्मेशन पूछा, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिला आरटीआई एक्ट के जरिए, तो ये क्या है, एक टाइप का जो क्वेश्चन होगा ये वन वन वे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सेम चीज
सेम चीज अगर कोई भी पर्सन आपके पास आता है, ठीक, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं फॉर इन फ्यूचर, तो वहां पे क्या है, आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में, हम लोग ने देखा, अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर में 5000 करोड़ इसमें पैसा लगाया इन फाइनेंशियल ईयर 21, और इस साल में देखा जाए तो सिर्फ 32,000 करोड़ रुपए ही फाइनेंशियल ईयर 22 में इतना पैसा लगाया है। तो आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि क्यों पैसा आपने इसमें, जो हम लोगों ने देखा हुआ है कि मनरेगा काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हुआ है, तो मनरेगा के अंतर्गत इसमें गिरावट क्यों हुई, आई हुई है बजट में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है, टू वे फ्लो इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, क्या है और क्यों, टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इस टाइप के रहते हैं। यहाँ पे लोगों से जो सिटीजन होके वो फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के, जो डिपार्टमेंट लाइक वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब इसमें क्या है और क्यों कर रहे हो, और उनको जो भी सर्विस डिलीवरी पब्लिक एजेंसीज होती हैं उनको भी फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आंसरेबिलिटीज, जो कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो है वो उनको आंसर करना ही पड़ता है इन दोनों का। पब्लिक ऑफिशियल्स में गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वो भी हो जाते हैं एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशंस। पार्टिसिपेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आप लोगों को पता चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटीज है उस पे आप नजरअंदाज करेंगे। पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लेके आए उसमें आपका योगदान क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लेट्स टेक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ईआईए, ईआईए से रिलेटेड कोई भी चीज लेके आता है एनवायरमेंट रिलेटेड असेसमेंट। हम लोगों ने देखा हुआ था कोई भी स्कीम्स, मैं पर्टिकुलरली एक ले लेता हूं एग्जाम्पल, लेकिन आप देखिए एक होता है पीआरएस लेजिस्लेटिव, इसको आप जरूर फॉलो करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गवर्नमेंट एक एक मंथ का बनता है पीआरएस लेजिस्लेटिव, जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं या गवर्नमेंट्स के जो प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में यहाँ पे इसमें आता ही है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, यहाँ पे जो न्यूज रहेगी वो सिर्फ लॉस जितने भी कानून बनाए गए हैं उसके ऊपर ही रहेगी या फिर ऑर्डिनेंस आया हुआ है उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे लॉ है, कुछ ऐसे बिल है जो पब्लिक कंसल्टेशन के पास गए हैं, पब्लिक कंसल्टेशन उस पर लिया गया है। हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आई हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज या फिर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इनको पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था, पब्लिक डोमेन में रखा गया था ताकि जो पब्लिक है वो इसके ऊपर कमेंट दे सके। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग मीन्स आप अपने कमेंट दोगे तो वहां पे आपका योगदान भी देखने को मिलेगा, मीन्स सिटीजन का जो पार्टिसिपेशन है। और वंस ये जो इसमें आपने डोमेन दे दिया, गवर्नमेंट ने जो भी मीन्स पब्लिक डोमेन में आया आपने अपने व्यूज दे दी, फिर इसके बाद जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर एक सेक्शन का जो पार्टिसिपेशन होगा तब उसमें अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंट पर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, देखिए पार्टिसिपेशन नहीं है तो उनको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है कैसे करना है वो प्रॉपर मेन जो प्रॉब्लम है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी एक आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों ही ज्वाइन करता, मीन सिविल सर्विस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि देखिए सिविल सर्विस लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उनका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, मैं उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ। अगर वो पूछते हैं क्या नहीं होता, क्यों नहीं होता है और किस तरीके से कराएंगे, तो यहाँ पे क्या है कि जब तक तो अब ये पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन आपके स्कीम्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सो व्हाट वी कैन से, तो पार्टिसिपेशन होता है ये एक द दैट इज द कॉर्नर स्टोन है गुड गवर्नेंस का, लेकिन पार्टिसिपेशन को भी, पार्टिसिपेशन नीड टू बी इन्फॉर्म और ऑर्गेनाइज्ड।
यहाँ पे क्या होता है, उनको इन्फॉर्म भी मीन्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि उनके जो भी व्यूज आ रहे हैं उनके पास फ्रीडम होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज एक्सप्रेशन एज वेल एज दी ऑर्गेनाइज सिविल सोसाइटी में। उनके पास अगर ये सारे फ्रीडम नहीं दिए गए, आप सिर्फ पब्लिक डोमेन पार्टिसिपेशन तो आया लेकिन उनका कोई भी मकसद ही नहीं, मीन्स उनसे कोई भी जो रिव्यूज लिया गया है या फिर उसे जो भी सजेशन लिएगा उसका कोई भी मतलब ही नहीं है, आपको करना अपने मन का ही है। तो इस तरीके से पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और मॉनिटर भी किया जा सके गवर्नमेंट एक्टिविटीज को। नेक्स्ट है हमारा कंसेंसस ओरिएंटेड। कंसेंसस ओरिएंटेड में क्या है, देखिए कंसेंसस ओरिएंटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के लिए। यहाँ पे इट गुड गवर्नेंस जो है वो रिक्वायर करता है कि एक मीडिएशन होना चाहिए डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज, ताकि एक ब्रॉड कंसेंसस हो सके कि क्या अच्छा है, क्या हित में है पूरे कम्युनिटी के, और इसको किस तरीके से अचीव किया जाए, क्या हित में है और इसको किस तरीके से अचीव किया जाए। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट जो ब्रॉड कंसेंसस है। इसके लिए क्या है, एक ब्रॉड और लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव की हम लोगों को जरूरत है, विच इज नीडेड फॉर द सस्टेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसको किस तरीके से अचीव किया जाए, जो हमारा ह्यूमन किस तरीके से ये गोल को अचीव किया जाए ऐसे डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रूल, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था, अकाउंटेबिलिटी जो है कैन नॉट बी एनफोर्स विदाउट टू थिंग, एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा है हमारा ट्रांसपेरेंसीज। देखिए रूल ऑफ लॉ में क्या है, अपने कई सारे केसेस आप डाल सकते हैं रूल ऑफ लॉ में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये आप जितने भी केसेस डालेंगे, ये अगर जितने भी रिसेंट केसेस होंगे आपको यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले दिन ही जो हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ था वहां पे ये डिस्कस बताया हुआ था कि आपको न्यूज फॉलो करना ही होगा। छोटे छोटे से न्यूज आप उठा लीजिएगा, वहां पे रख दीजिएगा, रूल ऑफ लॉ का कहाँ पे वायोलेशन हुआ, कहाँ पे इसको रूल ऑफ लॉ को नहीं रखा गया है। आप ले सकते हैं तमिलनाडु वाला केस, उत्तर प्रदेश वाला केस लखीमपुर खीरी, और उन्नाव वाला केस, हापुड़ वाला केस, कई सारे केसेस हैं जहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं रखा जाता। वहां पे क्या है कि एक ही वर्क ऑफ सेक्शन को देखने को मिलता है, वहां के जो माइनॉरिटीज है माइनॉरिटीज को ही कंसिडर नहीं किया जाता है, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पीपल है उनको भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो मेन जो काम है हमारा यही है कि पूरा फुल प्रोटेक्शन दिया जाए ह्यूमन राइट्स को, और पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज में है या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर जो अदर कास्ट ऑफ ट्राइब्स हैं। तो गुड गवर्नेंस एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, और जो कि एनफोर्स होना चाहिए इम्पार्शियली। इम्पार्शियली यहाँ पे क्या है कि इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए एज वेल एज इम्पार्शियल एंड इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी पे भी कई सारे सवाल उठे हुए थे, हमारे ऐसे ऐसे जजमेंट पास हुए हैं। अब मैं आपको जजमेंट के बारे में नहीं बताऊंगा, आप खुद जानते हैं। जजमेंट पास होने के बाद उस टाइम जो सीजीआई थे उनको रिटायर्ड होने के बाद डायरेक्ट राज्यसभा की सीट दे दी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस उठेंगे उठेंगे कि एक पर्टिकुलरली जो जो पार्टी एंड लाइक जो पार्टी सेंटर में है उनके जितने भी काम थे उनमें सीजीआई ने करा दिए, ताकि उनका वोट बैंक है जो बढ़ बढ़ जाएगा, वोट बैंक बढ़ जाएगा, सीजीआई को भी फायदा मिल गया। तो ये सेम चीज हो, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी नहीं है और इम्पार्शियल या फिर इनकरप्टेबल पुलिस फोर्स नहीं है तो इस ऐसे रूल ऑफ लॉ का होना ही बेकार ही होगा, वो प्रॉपर तरीके इम्पार्शियल नहीं हो पाएगा, उसको एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, गुड गवर्नेंस के लिए एक फेयर लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है और जिसको इम्पार्शियली एनफोर्स किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव में क्या आता है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए इक्विटेबल नाम से ही पता चल रहा है कि बराबर का होना चाहिए, और इंक्लूसिव हर एक को मिलना चाहिए, बराबर और हर एक को। ऐसा कोई भी सेक्स मीन्स ऐसा कोई भी कम्युनिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए जिसको एक्सक्लूड किया जाए मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से। तो सोसाइटी की जो वेलबींग होती है ये डिपेंड करती है कि प्रॉपर तरीके से एंश्योर किया जा सके हर एक मेंबर्स को का स्टेक होना चाहिए, उसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली जो भी मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल है एंड दे हैव अपॉर्चुनिटीज।
टू इम्प्रूव एज वेल एज द मेंटेन देयर वेलबींग. रिस्पॉन्सिव, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिव. गुड गवर्नेंस रिक्वायर दैट द इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस ट्राई टू सर्व ऑल द स्टेक होल्डर विद इन द रीजनेबल टाइम फ्रेम. जो भी टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, अब आप मुझे बता कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन से वेरियस स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं. हम लोगों ने पिछली क्लास में जो गुड गवर्नेंस का और गवर्नेंस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था. थ्री टाइप्स के हैं, वो थ्री टाइप्स ही आप बता दीजिएगा, बाकी तो फिर हम लोग समझ ही लेते हैं. तो क्या है इसमें कि विद इन द टाइम फ्रेम उनको रीजनेबल उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए. किस तरीके से? रिड्रेसल ऑफ द सिटीजन ग्रेवियंस. जो भी पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उस चीज का इंफॉर्मेशन आपको विद इन द टाइम फ्रेम में मिल जाना चाहिए. सिटीजन फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए और टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस होनी चाहिए. दे आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस. इफेक्टिव एंड इफिशियंट. गुड गवर्नेंस का मतलब यही है कि जो भी प्रोसेस होगा एंड इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस रिजल्ट इन टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल्स. जो कि कवर करता है कि एक सस्टेनेबल यूज करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. मीन्स इस तरीके से नेचुरल रिसोर्स ऐसे ना यूज करो कि उससे एनवायरमेंट में हानि हो. नेक्स्ट है हमारा एंड दिस इज द लास्ट, ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं या फिर उसको जो भी एनफोर्समेंट किया जा रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही चाहिए. रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो ये फ्रीली अवेलेबल हो और उसको इजिली अंडरस्टैंड, मतलब उसको कोई भी सेक्शन ऑफ द पीपल जो भी है, पढ़ा लिखा भी नहीं हो, उसको आसानी से उसको समझ में आ जाना चाहिए. फॉर्म्स एंड डायरेक्टली जो है वो आप लाइक एसेसिबल टू जो भी पर्सन उससे. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, डिसीजन रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EIA, नॉट द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, आई एम रियली सॉरी. कोई भी ड्राफ्ट लेके आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज या फिर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर, उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो तो एक्सेस कर पाए कम से कम. फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड आप कोई भी स्कीम्स लेके आते हैं उनके लोगों तक को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हर एक के हम लोग को पता है कि नहीं लिटरेट है वो लोग. इसका मतलब ये भी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये भी है कि दैट जो भी इनफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, एक इनफ इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहिए और जो भी प्रोवाइड किया जाएगा उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में भी होना चाहिए और मीडिया के पास भी होनी चाहिए उस चीज की इंफॉर्मेशन. बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन. जो एक्ट पास किया गया था, एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल. उससे क्या है कि लोग क्या है, ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर किया जा सकता है जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एग्जीक्यूटिव का. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये हमारा. देखिए अब क्या है कि हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. वहां पे टेलीग्राम चैनल में आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं. डेली हमारी क्विज रहती है, ऐसा नहीं है कि मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे आपको क्विज मिलेगी. और आप अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा ये कूपन यूज करके SUB25 यूज करके आप 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं. और हर एक कोर्स में, अब आप ये सोचते होंगे 1000 रुपए का कोर्स, नहीं, 300 रुपए से मैं अभी ये गारंटी दे सकता हूं कि शुरुआत में जो कोर्स है 300 से ज्यादा 300 साढ़े 300 से ज्यादा नहीं जाएगा. जैसे कि मैं अपना देख सकता हूं, 200 रुपए 150 रुपए था मेरा इंटरनल सिक्योरिटी था, इस समय 250 रुपए ही हो गया है. देखिए डिमांड जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से हमें अपना कोर्स को भी बढ़ाना पड़ता है. तो गवर्नेंस का 300 साढ़े 300 से ज्यादा नहीं जाएगा, आपको उसमें भी 25% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो कोर्स को परचेज करना मत भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन SUB25. देखिए PDF में आपको कई सारे फायदे मिलते हैं, इससे डिटेल में आपको मिलेगा और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं. और क्या है कि आप वीडियो लेक्चर्स भी देखेंगे, वीडियो लेक्चर देखते समय आप उसको भी पढ़ते रहिएगा, तो
जल्दी से याद हो जाएगा आपको ये सारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक, इसी का ही पार्ट है, जहां पे हम लोग कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गवर्नेंस देखेंगे अदर देन एट। आठ तो हम लोगों ने आठ देखा हुआ, अब क्या है जो भी है, जीरो टॉलरेंस के बारे में, रेड टेपिज्म, क्या रिफॉर्म्स है, मिनिमम गवर्नेंस है, मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। एंड अगेन विच इज गोइंग टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, प्लीज डू इट नाउ। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट ऑफ ऑल आर अपकमिंग वीडियोज। If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubts and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it. If required, you can also connect with us through our OCL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So, thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day. Thank you.